नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू इजी लर्निंग इंडिया। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 लॉ कॉलेजेस इन दिल्ली। ये दिल्ली में 10 बेहतरीन लॉ के कौन से कॉलेजेस हैं? आज उन सभी 10 लॉ कॉलेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रैंक वन पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, NLU दिल्ली, की स्थापना हुई थी 2008 में, एस्टैब्लिश इन 2008, और ये भारत के टॉप 3 में भी आती है ये यूनिवर्सिटी, और लॉ के मामले में बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसमें अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की पढ़ाई होती है, और इसमें जो एडमिशन है वो आईलेट के थ्रू होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। और अगर आपको इसके अंदर एडमिशन पाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और टॉप रैंक लानी पड़ेगी, तभी आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। ये दिल्ली के द्वारका में सिचुएटेड है ये यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। रैंक 2, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है उसमें फैकल्टी ऑफ लॉ है, और ये भी बहुत बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका नंबर पड़ता है हर साल। एस्टैब्लिश इन 1920 में स्थापना हुई थी, और 1988 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर ला दिया गया था, तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इसमें जो एडमिशन है वो CUET के थ्रू होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। रैंक थ्री है फैकल्टी ऑफ लॉ। फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है, और ये नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, 1924 में स्टैब्लिश हुआ था फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और ये अप्रूव और रिकॉग्नाइज है बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। रैंक फोर्थ आता है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज। ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस द्वारका में सिचुएटेड है। इसको हम कॉमनली IP यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें जो एडमिशन है वो क्लैट के थ्रू होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। रैंक 5th, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज वॉज एस्टैब्लिश इन 1998। यह भी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है, UGC से भी अप्रूव्ड है, और ए ग्रेड कॉलेज है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कॉलेज के अंदर आपका BBA, BCom, LLB की पढ़ाई होती है, और इसमें भी अगर आपको एडमिशन पाना है तो आपको क्लैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, जितने भी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन जो है वो क्लैट के थ्रू होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और बहुत सारे NLUs है, ऑलमोस्ट 20 NLUs है जिसमें भी एडमिशन जो है वो क्लैट के थ्रू मिलता है आपको। अगर आपको क्लैट की तैयारी करना है तो आप easylearningindia.com के साथ कर सकते हैं। रैंक 6, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ लॉ। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, और ये IP यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, एफिलेटेड बाय GGS IPU, IP यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें भी एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है, और इसमें BBA LLB डिग्री कराई जाती है। रैंक 7, स्कूल ऑफ लॉ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो भी बेहतरीन है, दिल्ली में सिचुएटेड है इसका मेन कैंपस मैदानगढ़ी, और इसकी स्थापना हुई थी 2005 के अंदर, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि लीगल की पढ़ाई डिस्टेंस लर्निंग और ओपन से कर सके। रैंक 8, चंद्र प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज एंड स्कूल ऑफ लॉ। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, एफिलेटेड बाई GGS IPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और ये एक ISO सर्टिफाइड क्वालिटी इंस्टीट्यूट है, अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और इसमें भी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, और इसमें भी जो एडमिशन है वो क्लैट के थ्रू होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। रैंक 9th आता है द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1956, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपकी जो हायर एजुकेशन है, जो मास्टर्स है, LLM है, उसकी पढ़ाई इसके अंदर कराई जाती है, और इसमें जो कैट का जो PG का जो एग्जाम आता है, पोस्ट ग्रेजुएट कैट का एक UG एग्जाम आता है, एक PG एग्जाम क्रैक करने के बाद यहाँ पर आप एडमिशन पा सकते हैं। यह आपके टॉप 9 हो गए। अब है टॉप 10। टॉप 10 है महाराजा अग्रसेन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यह रोहिणी में सिचुएटेड है, ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, GGS IPU। तो मैंने आपको पहले बताया था, जो भी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आता है उसका एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, इसकी स्थापना हुई थी, और ये भी वन ऑफ दी बेस्ट है, बिकॉज इस कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होती है, मैनेजमेंट, MBA, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के अच्छे लॉयर और जज निकलते हैं। तो ये दिल्ली के टॉप 10 लॉ कॉलेजेस हैं। अगर आपको इनके अंदर एडमिशन पाना है तो अलग अलग टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, क्लैट और आईलेट, CUET, सभी की जो तैयारी है वो हम कराते हैं, जितने भी UG एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी की तैयारी
इजी लर्निंग इंडिया कराती है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम क्लास 12th। हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट बच्चों के लिए, तो आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल, बुक्स, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन इंटरएक्टिव क्लासेस, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, करियर गाइडेंस सेशंस, तो आपको ये सब कुछ मिलेगा एक ही छत के अंदर। प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia.com। प्लीज लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एक सब्सक्राइब से बहुत ही हौसला मिलता है। प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज, करियर गाइडेंस या किसके ऊपर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.